आपका नाम क्या है? उत्कर्ष, उत्कर्ष मिश्रा। आप कहाँ से? मैं इलाहाबाद से हूँ। ठीक है। आप कहाँ से? वैसे बेसिकली मैं यूपी से हूँ और यहाँ दिल्ली पे रह रहा हूँ। काफ़ी सारे फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं जो कश्मीरी छात्र उन पर अटैक हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है और आपके आसपास ऐसी कोई घटना हुई है? जी नहीं, मैं तो जहाँ रह रहा हूँ वहाँ तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, और अगर ऐसा हो रहा है तो काफ़ी गलत है कि हम किसी और बंदे की गलती की सज़ा किसी और बंदे को अगर दे रहे हैं तो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि कश्मीरी भी हमारे हैं और कश्मीर भी हमारे ही। आपने सुना इस तरह कोई फेक न्यूज़? मैं चीज़ें सब देखता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन ईजिली उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि आसपास ऐसा मेरा माहौल नहीं है। चीज़ें देखने से और सुनने से ईजिली मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अगर मेरे साथ अगर आसपास जो रह रहे हैं अच्छे से रह रहे हैं तो हम उनके खिलाफ नफरत नहीं रख सकते अपने दिलों में। वैसे आसपास तो ऐसी घटना नहीं हुई ना, मैंने ये न्यूज़ सुनी है अभी, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, तो इस देश के नागरिक होने के हम जिम्मेदार हैं। पहली बात, हमको ऐसी फेक न्यूज़ ना फैलानी ही नहीं चाहिए। अगर हमारे पास ऐसी अफवाहें आ रही हैं तो उस अफवाह को हमें रोकना चाहिए, अफवाह ना फैलाएं ना फैलने दें। ऐसे क्या होता है, अफवाहें फैलती हैं तो देश में एक खलबली का माहौल पैदा होता है, इससे जैसे पुलवामा अटैक अभी हुआ, तो अभी ऑलरेडी इस टाइम खलबली मची हुई है देश में, हमारे देश के जवान शहीद हुए, तो खलबली मची हुई, पूरे देश को आक्रोश है, और एक नया अफवाह आएगा तो देश में और खलबली मचेगी, इससे हम ही को ही परेशानी हो सकती है, और जो हमारा पड़ोसी देश है वो इसका फ़ायदा भी उठा सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अफवाह ना फैलने दें। अभी CRPF ने हाल ही में एक हेल्पलाइन जारी किया है जो ये फेक जो खबरें आ रही हैं इनसे सावधान करने के लिए, और जो कश्मीरी छात्र हैं उन्हें बोला है कि अगर आपको किसी तरह से प्रॉब्लम हो तब हमसे मतलब हमारे पास कॉन्टेक्ट कीजिए, तो इससे आप क्या सोचते हैं? ये बहुत ही मतलब अच्छा कदम मान सकते हैं, अच्छा कदम ही माना जाना चाहिए, कि अगर ऐसे कोई घटना कर भी रहा है तो हमको रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होना चाहिए कि ऐसी घटनाएँ ना हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ना हो, एक इंडिविजुअल के नाते हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि किसी कश्मीरी के साथ कुछ बुरा ना हो, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है और उनकी भी अपनी अपनी ज़रूरतें जो हमारे साथ रह रहे हैं। अगर कोई फेक न्यूज़ आती है, कोई इस देश में खलबली फैलाता है, तो उसकी सूचना तुरंत अपने हमें जवानों को देना चाहिए, जिससे वो उस चीज़ को देखें, महसूस करें, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हमारे जवान, और हमें अपने देश के जवानों पे गर्व है कि ऐसी हेल्पलाइन, ऐसी सेवा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर कुछ अफवाह फैलाई जा रही है, कुछ अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। इस कंप्लेंट से मैं बहुत खुश हुआ, अगर ये कंप्लेंट जारी है तो। आपका नाम क्या है? काशिफ अंजुम। आप कहाँ से? मैं यहीं दिल्ली से हूँ। फारूक। आप कहाँ से? श्रीनगर से। शिवम नागपाल। आप कहाँ से? दिल्ली से। अभी काफ़ी सारे खबरें आ रही हैं जो कश्मीरी छात्र हैं उन पर हमले हो रहे हैं, तो आप इससे कितना सहमत हैं? क्योंकि अगर देखा जाए सारे मुद्दे, मतलब पहले भी हम लोगों ने देखा, इससे पहले भी जो कश्मीर में जो इतना बड़ा स्ट्राइक हुआ था उसके अंदर हमारे ही जवानों पे कश्मीरियों ने क्या किया था, पत्थर वगैरह मारे थे, तो कुछ हद तक, कुछ ये मैं नहीं बोलता कि सारे कश्मीरी गलत हैं, बट हाँ कुछ हद तक अगर आप इंडिया में रह रहे तो उसका बचाव तो करना चाहिए, मेरे ख्याल से ये है। ना ना ना, वो नहीं हम बता सकते हैं, नहीं मैम खतरा नहीं है, नहीं है, हम भी बैठे हैं, हमें कोई खतरा नहीं है, ना किसी चीज का डर है, बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं, जैसे कि अपना देश में, ये हमारा अपना देश है, हम नहीं कह सकते कि ये आपका या और किसी का देश है, हमारा अपना देश है, चाहे कश्मीर हो चाहे दिल्ली हो, अपना देश है, हम यहाँ आराम से घूम सकते हैं, कोई खतरा महसूस नहीं करते हैं। हम जैसे बोलते हैं कि गेहूं में घुन पिस रहा है, ये उस तरह की बात है, मानते हैं कि कश्मीर का कुछ पार्ट जो है वो इंडिया के विरुद्ध है और पाकिस्तान को फेवर करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर उन जैसे लोग वहाँ पर हैं तो उन पर भी वो सेम ट्रीटमेंट किया जाए जो उनके साथ होना चाहिए। आपके आसपास ऐसा कोई घटना हुई है? नहीं, अभी तो नहीं हुई, मेरे आसपास तो नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली जो सेंटर ऑफ इंडिया, यहाँ तो हो नहीं सकता वो। अभी हाल ही में CRPF ने एक हेल्पलाइन जारी किया है जिसमें जो कश्मीरी है उनको धमकाया जाता है या किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है तो वो उन पर कंप्लेंट कर सकते हैं, आप इससे कितना सहमत हैं? मैं सहमत हूँ इससे,
क्योंकि एक्चुअली अब पूरी सोसाइटी पे तो हम नहीं लगा सकते इल्ज़ाम कि अगर एक कश्मीरी कोई वैसा कर रहा है तो एवरी पर्सन जो है वो इंक्लूडेड है इसमें, तो कुछ हद तक सही है। अब कुछ गलत लोगों की वजह से अच्छे लोग क्यों फिर ख़त्म हो, ये चीज़ें होती हैं। आई थिंक ये इट्स अ गुड थिंग, मतलब एक ट्रॉमेटिक स्टेट में किसी भी तरह की हेल्प अगर उनको मिलती है तो एक अच्छी चीज़ है जो हमें देनी भी चाहिए और हम दे रहे हैं। अभी जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि जो कश्मीरी है उनको कोई अगर धमकाता है तो वो हमारे घर में आकर रह सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि पत्रकार को अपना काम करना चाहिए? ये काम पुलिस वालों का है तो वो उन्हें उन पर छोड़ देना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, इससे तो मैं सहमत हूँ बिल्कुल कि ये काम पुलिस वालों का है वो करे, पत्रकार का जो काम है उन्हें वो करना चाहिए। एंड आफ्टर ऑल आप कहते हो देते हो लेकिन उस पर जब बाद में एक्शन लिया जाएगा तो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। जो पुलिस का काम है वो पुलिस को करने दो, जो आपका काम है वो पत्रकारों को करने दो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, पुलिस वालों की ड्यूटी है अगर कोई खतरा कोई महसूस करे तो उसको पुलिस के पास जाना चाहिए कि वो देखना चाहिए कि पुलिस उनमें कोई मदद कर सकता है या नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही कहा, जवान लोग एनडीए क्लियर करते हैं और आर्मी में जाते हैं, आर्मी में एक अपनी एक सेंस है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको सिखाया जाता है, उनका इंटेलेक्ट अलग है। जो पत्रकार हैं उनमें एक स्पेशलिटी है पर वो भी हमारी तरह एक लेमैन पीपल है, उनको अपना काम पता होना चाहिए अच्छी बात है और दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, उसके लिए आर्मी है, अटर्नी जनरल है, सुप्रीम मतलब जुडिशरी है और पुलिस है। अभी हाल ही में सिद्धू का बयान आया था, आप उस बयान से कितना सहमत हैं? उससे मैं सहमत नहीं हूँ, उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ मैं, क्योंकि देखिए जो भी हम बात करें जैसा भी बात करें जितने भी अभी हम देख रहे हैं कि हर एक महीने या कुछ भी देखा जाए तो वहाँ पे हमारे शहीद कुछ ना कुछ हो रहे हैं जवान, और उन सब में पाकिस्तान का नाम आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान ज़रूर कुछ कर रहा है तभी तो उसका नाम आ रहा है। तो सिद्धू जी ने ये बचाव किया तो उससे मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। सिद्धू ने बयान दिया है मेरे ख्याल से वो गलती बयान दिया है उसने। अगर हम पास्ट को देखते हैं कितने ज़्यादा अटैक्स पाकिस्तान की वजह से इंडिया पर हुए हैं, द ताज होटल अटैक, उसमें कितने लोग मरे, सिविलियंस मरे, फॉरेनर्स जो थे वो मरे, और हमारी जो सेफ्टी इश्यूज थे इंडिया में जो ग्लोबली रिप्रेजेंट करते कि इंडिया और सेफ, उन्होंने उनकी वजह से हो गया। अगर हम स्टैटिक्स लगाएं, प्रोबेबिलिटी लगाएं कि ये एक अटैक किसकी वजह से हुआ होगा, तो आई थिंक 99.99% पाकिस्तान ने ही करवाया होगा, और उस हम 0.001% की वजह से हम इतने सारे इंडियंस की वो नहीं कर सकते, जान खतरे में नहीं डाल सकते, तो हमें एक्शन लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इस समय अगर उनके कमेंट को मैं सही नहीं मानता हूँ, अगर आप बातचीत इस समय नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम 40-45 जवानों को खो चुके हैं जो मतलब बिना किसी कारण के मारा गया है। आप अगर डायलॉग करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो आप किसी को मार के डायलॉग के उसमें नहीं बिठा सकते टेबल पे, आप बिना ये आप जनरली उसमें भी कर सकते हैं कि आप बातचीत करके कर सकते हैं। वो नवजोत सिंह सिद्धू जी पॉलिटिकल मैटर बहुत क्रिएट करते हैं, मैंने उनको देखा कई जगह ऐसा देखा, उनके पहले भी मैंने उनके कई सारे ट्वीट पढ़े हैं और उनकी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा या गुजारिश करूँगा कि ऐसे वो बयानबाजी ना करें, देश को सही लोगों की ज़रूरत है, और वो मैं चाहता हूँ राजनीति से बाहर हट के देश के नागरिक होने का सबूत दें क्योंकि वो इस देश के हैं, तो ऐसी राजनीति बिल्कुल ना करें। इस देश में राजनीति फैलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, अपना तवा सेकना होगा तो बाद में सेक लेंगे लेकिन अभी बिल्कुल मत सेकें।